हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वॉर्म वेलकम टू शिक्षा सो गाइस सोशल प्रोटेक्शन वेलफेयर स्कीम्स का नेक्स्ट लेक्चर यहां पर हम कवर करेंगे और एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम करेंगे uh, काफी क्वेश्चंस इस स्कीम uh, के अंडर से आपसे पूछे जा सकते हैं एंड बिफोर गोइंग इनटू द स्कीम इस स्कीम के अंदर ना बहुत सारे सब uh, स्कीम्स आते हैं तो सब स्कीम्स को एक बार मैंने यहाँ पर ब्रीफली कवर किया है लेकिन कुछ सब स्कीम्स ऐसे हैं जिसको हमें थोड़ा सा ब्रॉड डिस्कशन भी हमारी जरूरी होगी तो जिन सब स्कीम्स को ब्रॉडली डिस्कस करना है उसके लिए हम एक अलग से लेक्चर भी बनाएंगे उनके लिए ठीक है हर इंडिविजुअल स्कीम के लिए ताकि हमारा जो पर्पज है कि एक लेक्चर में एक स्कीम वो हम अच्छे से कवर uh, कर सके ओके एंड दीज आर द एमसीक्यू कोर्सेज गाइज आप इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं एंड अगर आप यूट्यूब पीडीएफ फाइल्स चाहते हैं सो अगेन यू कैन बाय दिस पर्टिकुलर कोर्स यूट्यूब पीडीएफ फाइल्स का भी दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पीडीएफ फाइल्स एंड अगेन uh, जो एमसीक्यू कॉम्बो कोर्सेज हैं वो आप देख सकते हो अगर आप कोई भी एमसीक्यू कोर्स ले रहे हो तो आपको पी डी एफ फाइल्स के लिए अलग से लेने की जरूरत नहीं है वो इंक्लूडेड होगा उसमें लेटेस्ट क्विकली स्टार्ट एंड जो स्कीम हमें कवर अप करनी है दैट इज योर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज या जिसको आप आईसीडीएस स्कीम भी बोलते हो ओके okay? तो बेसिकली ये uh, जो किस सेगमेंट को कवर करता है बच्चों को कवर करता है एंड प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स लैक्टेशन बेसिकली क्या होता है जो मिल्क फीडिंग पीरियड होता है वुमेन का उसको हम लैक्टेशन पीरियड बोलते हैं तो उसके लिए बेसिकली ये स्कीम है जिसमें न्यूट्रिशन यूमेशन प्री स्कूल एजुकेशन हेल्थ चेकअप हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन ओके और वेरियस रेफरल सर्विसेज इसके अंदर आ जाती हैं स्कीम की अगर हम बात करें तो अम्ब्रेला स्कीम है अम्ब्रेला स्कीम इसको क्यों बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर वेरियस सब स्कीम्स जो है वो आ जाती हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये आप याद रखेंगे कौन सी मिनिस्ट्री इसको इंप्लीमेंट करती है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इसको इंप्लीमेंट करती है आईसीडीएस स्कीम को इनिशियली लॉन्च किया गया था 1975 के अंदर तो स्टार्टिंग के अंदर ये तीन फैक्ट आपने याद रखने हैं कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर ये इंप्लीमेंट हो रही है और नाइनटीन में इसको लॉन्च किया गया था ओके okay, स्कीम के अंडर जो आपकी सब स्कीम्स आ जा जाती हैं वो कौन सी हैं आंगनवाड़ी सर्विस स्कीम प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना नेशनल क्रेच स्कीम स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर, गर्ल्स चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम और आपका पोषण अभियान तो ब्रीफली इनके बारे में डिस्कस करेंगे सबसे पहले आंगनवाड़ी सर्विसेज स्कीम ये एक अर्ली चाइल्डहुड केयर और डेवलपमेंट स्कीम है इसके अंदर बेसिकली जो बेनिफिशियरीज होते हैं स्कीम के दे आर चिल्ड्रेन जो स्पेशली जीरो टू तो सिक्स ईयर एज ग्रुप के हैं प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स को भी इसके अंदर बेनिफिट प्रोवाइड किए जाते हैं इसके अंदर छह सर्विसेज होती हैं मेनली जो प्रोवाइड की जाती हैं बच्चों को और प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स को वो है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन टू मेक देम न्यूट्रिशनली फिट प्री स्कूल नॉन फॉर्मल एजुकेशन अगेन बच्चों की एक प्री स्कूल डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन इम्यूनाइजेशन फॉर चिल्ड्रन प्रॉपर हेल्थ चेकअप फॉर प्रेगनेंट वुमेन लैक्टेटिंग मदर्स एंड चिल्ड्रन एंड रेफरल सर्विसेज रेफरल सर्विसेज इज बेसिकली ताकि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको कैसे इंप्रूव किया जाए इसके अंदर सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है अगेन फॉर द बेनिफिट ऑफ चिल्ड्रन एंड वुमेन इसके अंदर जैसे टेक होम uh, राशन होता है बच्चों के लिए टेक होम राशन दिया जाता है हॉट कुक्ड मील जो है वो बच्चों को सर्व की जाती है मॉर्निंग स्नैक्स ठीक है तो ये बेसिकली जो वर्नरेबल हाउस होल्ड के बच्चे हैं या महिलाएं हैं उनका ताकि न्यूट्रिशनल जो इंप्रूवमेंट है उसमें काम किया जा सके इसीलिए सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन इसके अंदर प्रोवाइड किया जाता है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना आप जानते हो इसके अंदर कैश इंसेंटिव का ये स्कीम है कैश इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाता है पांच हजार रुपए तक का और ये कैश इंसेंटिव तीन इंस्टॉलमेंट्स के अंदर प्रोवाइड किया जाता है और ये एक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है इसके अंदर जो पैसा है वो डायरेक्टली ट्रांसफर किया जाता है प्रेगनेंट वुमेन एंड लेक्टेटिंग मदर्स के अकाउंट में जो प्रेगनेंसी और लेक्टेशन पीरियड है अगर वो कुछ कंडीशन फुलफिल करते हैं कंडीशन जैसे कि इसके अंदर क्या है आपको इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए जाना है ठीक है इस स्कीम को हम डिटेल के अंदर

फिर आ जाती है आपकी नेशनल क्रेडिट स्कीम नेशनल क्रेडिट स्कीम बेसिकली एक चाइल्ड केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करने का एक ऑप्शन है जहां पर जो वर्किंग वुमेन है दे कैन लीव देयर चिल्ड्रन ये बेसिकली छ महीने से लेकर के छ साल के जो बच्चे हैं उनके लिए है जो वर्किंग वुमेन है हु कैन नॉट तो स्टे एट होम फॉर टेकिंग केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन उनको ये स्कीम बेसिकली हेल्प करती है ताकि उनके छह महीने से छह साल तक के बच्चों का जब वो काम पर है तब ध्यान रखा जा सके स्कीम बेसिकली साढ़े सात घंटे पर डे के लिए आप अपने बच्चे को छोड़ सकते हो ट्वेंटी सिक्स डेज इन अ मंथ ठीक है ट्वेंटी सिक्स डेज में आप इसको कर सकते हैं एंड इसके अंदर क्रैच के अंदर बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशनल फूड उनका जो अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन है हेल्थ है स्लीपिंग फैसिलिटीज है सब प्रोवाइड इसके अंदर किया जाएगा फिर आ जाती है इसमें स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स ये बेसिकली 11 टू 14 एज ग्रुप की गर्ल्स को कवर करता है स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स ताकि उन सोशल स्टेटस जो है वो इंप्रूव किया जा सके बाय एश्योरिंग एक अच्छा न्यूट्रिशन लाइफ स्किल्स होम स्किल्स इंप्रूव किए जा सके तो इसके अंदर अगर हम बात करें जो कॉम्पोनेट आ जाते हैं स्कीम फॉर गर्ल्स के अंदर एक तो अच्छा खाना, अच्छा खाना न्यूट्रिशन ठीक है आयरन की की एसिड कमी बहुत देखी जाती है स्पेशली गर्ल चाइल्ड के अंदर बिकॉज ऑफ पुअर न्यूट्रिशन पुअर डाइट तो आयरन और फॉलिक एसिड जैसे सप्लीमेंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे अगेन न्यूट्रिशन इंप्रूव करने के लिए हेल्थ चेकअप एंड रेफरल सर्विस न्यूट्रिशन और हेल्थ से रिलेटेड उनको एजुकेशन यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा एजुकेशन रिलेटेड टू वेरियस एस्पेक्ट्स दैट वुमेन गो थ्रू ओके मेन स्ट्रीमिंग आउट ऑफ स्कूल गर्ल्स जो बच्चियां ऑलरेडी फॉर्मल एजुकेशन छोड़ चुकी हैं उनको एनकरेज किया जाएगा कि वो फॉर्मल स्कूलिंग को ज्वाइन करें एंड ऐसी बच्चियों के लिए ब्रिज कोर्सेज लेकर के आए जाएंगे फॉर एग्जाम्पल अब आपने स्कूल छोड़ दिया आठ साल की उम्र में एक लड़की ने स्कूल छोड़ दिया ओके नौ इज इलेवन और ट्वेल्व तो पिछले चार पांच साल में जो गैप क्रिएट हो गया है एजुकेशन के अंदर उस गैप को फुलफिल करना बहुत जरूरी है तभी आप बच्ची को आगे स्कूल में डाल सकते हो तो उसके लिए ब्रिजिंग कोर्सेज को स्टार्ट किया जाएगा लाइफ स्किल एजुकेशन होम मैनेजमेंट इट एक्स्ट्रा काउंसलिंग गाइडेंस ऑन एक्सेसिंग पब्लिक सर्विसेज, तो ये सब चीजें जो है इसके अंदर कवर की जाएंगी अंडर द स्कीम फॉर अ गर्ल्स इसके अंदर ये याद रखना है कि ये जो इसमें कौन सी एज ग्रुप की लड़कियों को कवर किया जाएगा इलेवन टू फोर्टीन देन वी हैव चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम अगेन ये बच्चों की इंप्रूवमेंट और वेलबींग well को एनकरेज करने के लिए स्कीम है िटीज रिड्यूस की जा सके रिलेटेड टू एब्यूज जो बच्चे एब्यूज फेस कर रहे हैं निगलेक्शन है एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है किसी भी तरह का अबेंडनमेंट है ठीक है जैसे बच्चों को कोई छोड़ गया है अबेंडन कर दिया है या फिर पेरेंट्स से सेपरेशन जो है तो ऐसे जो बच्चे हैं उनको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम ओके सो दीज आर द वेरियस सब स्कीम्स अंडर योर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज फिर आ जाता है आपका पोर्शन पोर्शन आप जानते ही हो कि इसका जो टारगेट है वो क्या है कि कैसे स्टंटिंग अंडर न्यूट्रिशन और एनेमिया और लो बर्थ वेट को कम किया जा सके इसके लिए क्या करना पड़ेगा इसके लिए जो एडोलसेंट गर्ल्स हैं या प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं या लेक्टेटिंग मदर्स हैं उनके ऊपर भी फोकस किया जाएगा क्योंकि बच्चे की हेल्थ बहुत ज्यादा डिपेंड करती है मदर की हेल्थ के ऊपर ओके सो रिड्यूसिंग माल न्यूट्रिशन अंडर न्यूट्रिशन एंड एनीमिया जैसी जो प्रॉब्लम है उसको यहां पर कम करने की कोशिश की जाएगी पोषण को भी हम डिटेल के अंदर कवर करेंगे अभी मेन आइडिया बस ये था कि आईसीडीएस का एक आइडिया आपको लग जाए इन सब स्कीम्स में से कुछ सब स्कीम्स को हम डिस्कस करेंगे वो जैसे जैसे करेंगे वो आपके सामने वीडियोज आते जाएंगे एंड विद दिस एंड द लेक्चर का इस पीडी एफ लिंक डिस्क्रिप्शन में है कोई भी डाउट हो कमेंट कर सकते हैं व्हाट्सएप कर सकते हैं टेलीग्राम कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं नाउ विल सी यू द नेक्स्ट क्लास टिल देन टेक केयर एंड बाय